हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजीज कुलाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप सिर्फ़ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें तो स्टूडेंट्स आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एम फिजिक्स सेमेस्टर वन क्लासिकल मकैनिक्स यूनिट थ्री के सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम एंड डिडक्शन टू द इक्वलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के कंसेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कैपलर नाम के साइंटिस्ट ने क्योंकि वो प्लानिट्री मोशन को स्टडी करना चाहते थे टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन एंड अर्थ प्रॉब्लम हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है और अर्थ को सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है वो प्रोवाइड की जाती है बाय द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ सन जो है वो अर्थ पर अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक प्रकार की सेंट्रल फोर्स ही होती है अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम की तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं डिपेंड करता है कि वो चार्जेस लाइक चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं लाइक चार्जेस हुए तो वो रिपेल करेंगे अनलाइक चार्जेस हुए तो वो अट्रैक्ट करेंगे तो वो भी टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से हमें पता लगता है कि सेंट्रल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव इन नेचर भी हो सकती है और रिपल्सिव इन नेचर भी हो सकती है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को इक्वलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लेगरेंजियन तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आज का टॉपिक है वो लेगरेंजियन की ही एक एप्लीकेशन है तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं इसमें आपको डायग्राम किस प्रकार से बनाना होगा सबसे पहले आपको एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना होगा जो कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो ओबे होते हैं तो हमने एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया एक्स वाई जेड और इसका ओरिजिन है हो ओ यहाँ पर हमने यहाँ पर दो मासिस कंसिडर किए पहला मास है एम वन दूसरा मास है एम टू जो मास एम वन का पोजिशन वैक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओ वो है आर वन वैक्टर और मास एम टू का जो पोजिशन वैक्टर है विद रिस्पेक्ट टू आर टू विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन ओ वो है आर टू वैक्टर और अगर हम ये कहें कि एम वन का जो पोजिशन वैक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू एम टू वो होगा उसको हम लेट कर लेते हैं आर वैक्टर तो अगर हम इस ट्रैंगल में ट्रैंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन लगाएं तो हमें क्या मिलेगा इस ट्रैंगल में लॉ ऑफ एडिशन लगाने पर हमें मिलेगा प्लस आर वैक्टर विल बी इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल दैट इज आर वन वैक्टर और यहां से आप आर वैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि निकल के आएगी आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर तो ये होगा हमारा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मीन्स इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो कि होगा आर वैक्टर जिसको हम लिखेंगे आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करके आएंगे और कैसे इस टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को कैसे इक्वलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे वो भी हम देखेंगे लेटेस्ट कंसिडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासन आर टूटरिजन ओ ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे पहले आपको एक सिस्टम कंसिडर करना होगा जो कि दो पार्टिकल से मिलकर बनेगा पहले पार्टिकल का मास होगा एम वन और दूसरे पार्टिकल का मास एम टू होगा पहला पार्टिकल जिसका मास एम वन है उसका पोजिशन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन ओ ऑफ दिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है आर वन वैक्टर और इस पार्टिकल जिसका मास एम टू है उसका पोजिशन वैक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ओ वो होगा आर टू वैक्टर तो आइए आगे देखते हैं लेट आर वेक्टर बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ मास टू एम टू हम मान लेते हैं कि एम वन का जो पोजिशन वैक्टर है M2 के रिस्पेक्ट में वो है आर वैक्टर तो की डायरेक्शन आपको इस तरफ बनानी है क्योंकि ये है पोजिशन वैक्टर ऑफ मास वन विद रिस्पेक्ट टू एम टू तो अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल ऑफ वैक्टर एडिशन लगाएं तो हम यहाँ से आर वैक्टर की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट आर टू वैक्टर प्लस आर वैक्टर इज इक्वल टू आर वन वैक्टर में हमारी हेल्प करेगी पोर्शन तो हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं पिछले सेक्शन में हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर ली थी काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहने वाली है ये आर वैक्टर इज इक्वल टू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर अब हम इस सिस्टम का लैगरेंजियन फाइंड करेंगे आप जानते हैं लेगरेंजियन की वैल्यू क्या होती है लेगरेंजियन होता है कनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो आप लाइन लिखेंगे द लेगरेंजियन एल ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय एल इज इक्वल टू टी माइनस यू इसको हम दे देते हैं इसकी इक्वेशन नंबर देने की जरूरत नहीं है वेयर टी इज़ कनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम टी यहाँ पर कनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है जो कि इन दोनों पार्टिकल्स की कनेटिक एनर्जी का सम होने वाली है एंड U इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज़ अ फंक्शन ऑफ स्केलर डिस्टेंस R बिटवीन टू पार्टिकल्स और U यहाँ पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है और जो U होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पार्टिकल्स के बीच के स्केलर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा हमने देखा था कि जो पोजिशन वैक्टर था एम वन का विद रिस्पेक्ट टू एम टू वो आर वैक्टर था तो इन दोनों के बीच का जो स्केलर डिस्टेंस होगा वो आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आर तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो सिर्फ आर पर डिपेंड करेगी जो कि होगा स्केलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स तो आगे देखते हैं अब लेगरेंजन हम कैसे फाइंड करेंगे टी है कनेटिक एनर्जी कनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे सिस्टम की इन दोनों पार्टिकल्स की कनेटिक एनर्जी का सम करना होगा पहले पार्टिकल की कनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम वन कनेक्टिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर अगर पहले पार्टिकल का पोजिशन वैक्टर आर वन वैक्टर है तो इसकी विलॉसिटी कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी आर वन डॉट वैक्टर आर वन डॉट वैक्टर रिप्रेजेंट्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर वन तो यहाँ पर आप विलॉसटी की जगह आर वन डॉट वैक्टर लिखेंगे आर वन डॉट जो है वो एक्चुअली विलॉसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम वन को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस कनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल जिसका मास एम टू है और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आर टू डॉट वैक्टर क्योंकि इसका पोजिशन वैक्टर है आर टू वैक्टर तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आर टू डॉट वैक्टर माइनस यू जो कि फंक्शन किसका है आर का वो आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे और सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान लेंगे कि इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल बीच में है ये पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर सिस्टम का पूरे का पूरा मास जो है वो कंसनट्रेटेड होता है ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं जैसे मैं इस पॉइंटर का सेंटर ऑफ मास फाइंड करूँ तो ये यहाँ पर बैलेंस हो रहा है तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये बैलेंस हो रहा है इसी तरह से जब आप पार्कस में सीसो देखते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एग्जैक्टली exactly बीच में होता है तो इस प्रकार से हम सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लोकेटेड है और इन दोनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजिशन वैक्टर जो है ओ के रिस्पेक्ट में वो हम मान लेते हैं आर वैक्टर तो स्टूडेंट्स जो बाय डेफिनेशन होती है सेंटर ऑफ मास की आर वेक्टर वो आर वन आर टू पर किस तरह से डिपेंड करती है वो हम जब सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस आर वेक्टर का एक्सप्रेशन निकालते हैं पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ आर वन आर टू वैक्टर वो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा तो आप लाइन लिखेंगे लेट आर वेक्टर बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स देन बाई डेफिनेशन आर वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए आर वन डॉट आर टू डॉट की वैल्यूज फाइंड करेंगे फिर उन वैल्यूज़ को यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे फिर हम लेगरेंजन फाइंड करेंगे इस पूरे सिस्टम का फिर इन टर्म्स ऑफ आर वैक्टर फिर वो देखेंगे हमें क्या निकल के आता है तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे लास्ट सेक्शन में हमने आर वैक्टर जो कि था पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओ उसका एक्सप्रेशन लिख लिया था वो था आर वैक्टर बाई एम वन प्लस एम टू ये थर्ड इक्वेशन थी अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से आर टू वैक्टर की वैल्यू निकाले तो वो क्या निकल के आएगी आर वैक्टर प्लस आर वन वैक्टर फ्रॉम वन आर टू वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर प्लस आर वन वैक्टर इसको हम फोर दे देते हैं तो इस आर टू वैक्टर की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें आर प्लस आर वन वैक्टर इस थर्ड इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा यूजिंग फोर इन थ्री वी गेट आर वैक्टर इज इक्वल टू एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू और यहाँ पर आर टू वैक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए ये जो हमने निकाली है फोर्थ इक्वेशन में आर वैक्टर प्लस आर वन वैक्टर नीचे है एम वन प्लस एम टू इसी स्टेप में आप एक काम और कर सकते हैं इस M1 वन प्लस एम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस R वेक्टर के पास भेज सकते हैं तो मैं यहाँ से M1 वन प्लस एम हटा रहा हूँ और यहाँ पर ही लिख रहा हूँ एम वन प्लस एम टू यहां पर चला जाएगा मल्टीप्लाई में ये टर्म चली जाएगी उसके बाद आपको सॉल्व करना है इसको तो आर वैक्टर प्लस एम टू आर वन वैक्टर एम टू हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया अब इस टर्म में से और इस टर्म में से आर वन वैक्टर कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा एम वन प्लस एम टू आर वन वैक्टर कॉमन आ जाएगा प्लस एम टू आर वैक्टर इसी स्टेप में आप क्या कर सकते हैं इस एम टू आर वैक्टर को इधर भेज सकते हैं तो ये टर्म इधर जाके माइनस की हो जाएगी एम टू आर वन एम टू आर वैक्टर इधर चला गया ये माइनस का हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे इसको इधर लिख लिया इसको इधर लिख लिया कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा उसके बाद आपको दोनों तरफ एम वन प्लस एम टू से डिवाइड करना है तो जब आप ऐसा करेंगे दोनों तरफ एम वन प्लस एम टू से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ से एम वन प्लस एम टू से एम वन प्लस एम टू कैंसिल हो जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे आप एम वन प्लस और यहां पर आप एम वन प्लस एम टू लिख सकते हैं वैल्यू तो आ गई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर वैक्टर एंड स्मॉल आर वैक्टर तो अगर हम दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव ले लें तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं बस आपको सिंपली डॉट पुट करना है आर डॉट वेक्टर डॉट अच्छे से नजर आना चाहिए जहाँ भी आप लगाएंगे एम टू बाई एम वन प्लस एम टू और यहाँ पर आ जाएगा आर डॉट वैक्टर इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फाइव तो जैसे हमने आर वन डॉट वैक्टर की वैल्यू निकाली इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए वैसे ही अब हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए आर टू डॉट वैक्टर की वैल्यू निकालेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आर वन डॉट वैक्टर की वैल्यू निकाली थी जिसको हमने फिफ्थ इक्वेशन दिया था अब हमें इसी दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आर टू डॉट वैक्टर की वैल्यू निकालनी है तो आइए देखते हैं यहाँ से क्या स्टेप बनेंगे फ्रॉम वन अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से आर वन वैक्टर की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या निकल के आएगी आर वन वैक्टर इधर जाएगा और ये आर वैक्टर इधर आएगा तो आपको आर वन वैक्टर मिलेगा आर टू वैक्टर माइनस आर वैक्टर ये हमारी सिक्स इक्वेशन होगी अब हम क्या करेंगे इस आर वन वैक्टर की जगह आर टू वैक्टर माइनस आर वैक्टर सब्सिट्यूट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग सिक्स इन थ्री वी गेट आर वैक्टर एज इट इज इक्वल टू एम वन ऐसे ही रहेगा यहाँ पर आपको आर वन वैक्टर की वैल्यू पुट करनी होगी जो कि है आर टू वैक्टर माइनस आर वैक्टर आर टू वैक्टर माइनस आर वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर ऐसे ही रहेगा और नीचे एम वन प्लस एम टू ऐसे ही रहेगा इससे अगले स्टेप में इस एम वन प्लस एम टू को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर वैक्टर के पास भेज देंगे आर वैक्टर मल्टीप्लाई एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू एम वन को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एम वन आर टू वैक्टर माइनस एम वन आर वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे इस माइनस एम वन आर वैक्टर को इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा तो आपको मिलेगा आर वैक्टर एम वन प्लस एम टू प्लस एम वन आर वैक्टर इज इक्वल टू और इन दोनों टर्म्स में से इस टर्म में से और इस टर्म में से आप कॉमन लेंगे आर टू वैक्टर तो अंदर रह जाएगा एम वन प्लस एम टू अगर आप दोनों तरफ एम वन प्लस एम टू से डिवाइड कर देते हैं किससे एम वन प्लस एम टू से हर एक टर्म को तो आपको क्या मिलेगा जब आप इस टर्म को एम वन प्लस एम टू से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगी तो आर वैक्टर प्लस इसको जब आप एम वन प्लस एम टू से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एम वन बाय एम वन प्लस एम टू स्मॉल आर वैक्टर इज इक्वल टू जब आप इस टर्म को एम वन प्लस एम टू से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो आपको मिलेगा आर टू वैक्टर तो स्टूडेंट्स अब आप आपको क्या करना है दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव लेना है तो उसके लिए आपको सिंपली जो वैक्टर क्वान्टिटीज हैं उनके ऊपर डॉट लगाना होगा तो आप लाइन लिख सकते हैं टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑन बहुत साइड्स या फिर सिंपली आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ आर डॉट वैक्टर इज इक्वल टू एम वन आर डॉटर प्लस एम वन बाई एम वन प्लस एम टू इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए साथ में यहाँ पर आर डॉट वैक्टर लिख दीजिए इक्वल टू आर टू डॉट वैक्टर लिख दीजिए इसको दे दीजिए आप सेवंथ इक्वेशन तो स्टूडेंट्स हमने आर टू डॉट वैक्टर की वैल्यू भी फाइन कर ली जो कि है विलोसटी वैक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास डॉट की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फिफ्थ इक्वेशन में जो कि है ऑफ ऑफ पार्टिकल मास तो इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे अपनी लग वाली इक्वेशन में और आगे के स्टेप्स भी सॉल्व करेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने क्या किया था आर वन डॉट वैक्टर की वैल्यू फाइंड की थी फिफ्थ इक्वेशन में और आर टू डॉट वैक्टर की वैल्यू फाइंड की थी सेवंथ इक्वेशन में अब आर वन डॉट वैक्टर की वैल्यू एंड आर टू डॉट वैक्टर की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है हमें सेकेंड इक्वेशन में सो दैट वी कैन फाइंड लेगरेंजन तो आगे आपको लिखना होगा यूजिंग फाइव एंड सेवन इन टू वी गेट एल इज़ इक्वल टू हाफ़ एम वन यहाँ पर आर वन डॉट वैक्टर की वैल्यू पुट कीजिए वो है आर डॉट वैक्टर माइनस एम टू बाई एम वन प्लस एम टू आर डॉट वैक्टर और ऊपर स्क्वेयर है तो आपको यहाँ पर स्क्वेयर भी लगाना होगा प्लस उसके बाद है हाफ़ एम टू हाफ एम टू और यहाँ पर आपको पुट करनी होगी आर टू डॉट वैक्टर की वैल्यू जो कि है आर डॉट वैक्टर प्लस एम वन बाय एम वन प्लस एम टू आर डॉट वैक्टर और यहाँ पर आपको स्क्वेयर है तो यहाँ पर स्क्वेयर भी लगाना होगा और माइनस पोटेंशियल एनर्जी यू आर तो आपको लिखनी ही होगी तो स्टूडेंट्स इससे अगले स्टेप में आप क्या करेंगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर तो आपको क्या मिलेगा L इज इक्वल टू हाफ एम वन ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो आर वन डॉट का स्क्वायर जो होगा वो होगा आर डॉट स्क्वायर जब आप स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है प्लस एम टू स्क्वायर बाय एम वन प्लस एम टू स्क्वायर इन दोनों का अलग से स्क्वायर होगा साथ में आर डॉट स्क्वायर यहाँ पर आप वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर स्क्वायर आ चुके हैं माइनस टू ए बी टू इंटू आर डॉट वैक्टर मल्टीप्लाई एम टू बाय एम वन प्लस एम टू आर डॉट वैक्टर प्लस हाफ एम टू यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे आप आर डॉट वैक्टर प्लस एम वन स्क्वायर बाय एम वन प्लस एम टू आर डॉट स्क्वायर प्लस टू ए बी टू आर डॉट वैक्टर एम वन आर डॉट वैक्टर एम वन प्लस एम टू तो यहाँ तो आप वैक्टर लगाएंगे यहाँ पर जब आप टू ए बी करेंगे बट जब आप स्क्वेयर करेंगे तो आर डॉट के ऊपर भी वैक्टर नहीं आएगा और स्मॉल आर डॉट के ऊपर भी वैक्टर नहीं आएगा इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो स्टूडेंट्स साथ में माइनस यू आर आपका ऐसे ही रहेगा नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे हाफ एम वन को इससे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ एम टू को इन तीनों से भी मल्टीप्लाई करेंगे आप चाहे तो ये काम इसी स्टेप में भी कर सकते थे तो चलिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं हाफ एम वन से तो मैं यहीं कर रहा हूँ यहाँ पर आ जाएगा हाफ साथ में हाफ लग जाएगा और यहाँ पर एम वन भी आ जाएगा यहाँ पर जब आप हाफ एम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ से टू कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका एम वन ऊपर इसी प्रकार से ये ब्रैकेट भी ओपन करते जाइए साथ हाफ एम टू से आपको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको हाफ एम टू भी लगाना होगा ऊपर मैं यहाँ लगा देता हूँ हाफ एम टू और जब आप हाफ एम टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू हाफ से कट जाएगा और यहाँ पर एम टू आ जाएगा बहुत सिंपल स्टेप है आप अपने आप बड़े आसानी से कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी बाकी टर्म्स में से आपको कॉमन लेना है जैसे इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन आ रहा है हाफ आर डॉट स्क्वेयर तो आप लिखेंगे एल इज इक्वल टू हाफ आर डॉट स्कोर कॉमन आ जाएगा लीजिए हाफ कॉमन आ, 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 आ रहा है आ रहे, और नीचे से एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और अंदर से एम वन एम टू का स्क्वायर है यहाँ पर एम टू एम वन स्क्वायर है तो अंदर से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है एम वन एम टू कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा एम टू का स्क्वेयर था तो एक एम टू रह जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर एम वन का स्क्वायर था तो यहाँ पर एक एम वन रह जाएगा और बाहर जो है वो कॉमन ले लिया आपने आर डॉट स्क्वायर तो एक स्क्वेयर से एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास बचेगा एल इज इक्वल टू हाफ़ एम वन प्लस एम टू आर डॉट स्क्वेयर प्लस हाफ जो मासिस हैं उनको आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए एम वन प्लस एम टू और यहां पर लिख दीजिए आर डॉट स्क्र तो स्टूडेंट्स यहां तक हम पहुंच चुके हैं इसके आगे के जो स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे देखिए स्टूडेंट्स इस स्टेप में भी आपको माइनस यू आर लिखना है और इस स्टेप में भी आपको माइनस यू आर लिखना है विच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे अब आपको क्या करना होगा एम वन प्लस एम टू को कैपिटल एम लिखना होगा और एम वन एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू को म्यू से रिप्लेस करना होगा अब ये कैपिटल एम क्या है कैपिटल एम है एम वन प्लस एम टू जो कि दोनों पार्टिकल्स के मासिस का सम है जो कि आपको देगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम और ये नई चीज़ है आपके लिए एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू को हम बोलते हैं म्यू जिसको कहा जाता है रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं इस इक्वेशन को हमने दे दिया एट नंबर तो आगे बढ़ने के लिए मुझे ये पोर्शन जो है वो रब करना होगा मिलते हैं इसे रब करने के बाद तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे रिड्यूस मास को हमने डिफाइन कर लिया था आइए आगे बढ़ते हैं देखिए स्टूडेंट्स जो सेंटर ऑफ मास होता है वो या तो रेस्ट में होता है या फिर यूनिफॉर्मली मूव करता है तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी जिसको हम डिनोट कर रहे थे आर डॉट वेक्टर से सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर था आर वेक्टर और इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इसका टाइम डेरिवेटिव होगा मीन्स आर डॉट वेक्टर होगा वो कांस्टेंट होगा तो सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है तो अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में हुआ तो उसका विलॉसिटी वैक्टर आर डॉट वेक्टर कैपिटल आर डॉट वेक्टर कहना चाहिए वो जीरो होगा तो आप लाइन लिखेंगे एज सेंटर ऑफ मास इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली तो इस केस में जो वेलोसिटी वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास का जिसको हम डिनोट करेंगे आर डॉट वेक्टर से वो कांस्टेंट होगा और सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको जीरो मान लेते हैं तो अगर हम इस इक्वेशन में आर डॉट की जगह जीरो पुट कर दें तो इक्वेशन एट क्या बन जाएगी वो बन जाएगी एल इज इक्वल टू हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर माइनस यू आर तो कैपिटल आर जो आर डॉट था वो खत्म हो गया यहाँ से तो ये जो लेग्रेंजियन हमें मिला है ये है लेग्रेंजियन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल जिसका मास म्यू हो और उसका डिस्टेंस हो आर वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन ओ तो इस केस में हमारे पास जो टू बॉडी प्रॉब्लम है वो एक सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी जिसका मास होगा म्यू और ये मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ जिसका पोजिशन वैक्टर होगा आर वैक्टर इसको आप मूव करता हुआ भी दिखा सकते हैं बाय प्लॉटिंग अ कर्व। तो इस प्रकार से आपकी टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जा सकता है हैविंग मास म्यू जो कि होगा रिड्यूस मास एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू अगर हम इस पार्टिकल की कनेटिक एनर्जी की बात करें वो होगी आपके पास हाफ मास इंटू विलोस्ती का स्क्वायर मास यहाँ पर है म्यू और विलोस्ती हो जाएगी इसकी आर डॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी यू आर तो लगनेंजन इसका यही बनेगा वो तो इस प्रकार से हम टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को एक सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसकी लेगरेंजन इक्वेशन जो है वो ये होगी इसके बाद हम इस इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लिखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे हम टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को इक्वलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके लिए लगर का एक्सप्रेशन जो है वो ये निकल के आया था यहाँ पर जो इक्वलेंट वन बॉडी होगी उसका मास होगा म्यू जो कि रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम के बराबर होगा अगर हम इस सिस्टम की वो फाइंड करें इक्वेशन ऑफ मोशन वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं आपको ये डायग्राम भी एग्जाम में बनाना होगा दो डायग्राम आपको बनाने हैं एक पहले वाला और एक ये वाला तो स्टूडेंट्स अब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग लेगरेंजन वो हमें पता क्या होती है डी बाई डी टी कर ली एल बाय कर ली आर डॉट माइनस कर ली एल बाय कर ली आर इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर आर की टर्म्स में है तो यहाँ पर हमने आर की टर्म्स में लिखा है इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर थीटा के टर्म्स में हो तो हम यहाँ पर थीटा डॉट थीटा कर देते हैं जो भी हमारे पास यहाँ वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर लेना होता है इसको हम देते हैं टेंथ इक्वेशन तो आपको क्या करना है आप कर ली एल बाय कर ली आर डॉट की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम नाइन्थ इक्वेशन और कर ली एल बाय कर ली आर की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम नाइन्थ इक्वेशन और उनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है तो फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिल जाएगी सिस्टम के लिए फ्रॉम नाइन अगर हम दोनों तरफ डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट तो आपको क्या मिलेगा करली एल बाय करली आर डॉट पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपको मिलेगा हाफ ये टू आ जाएगा टू म्यू आर डॉट मिलेगा और ये टर्म जो है वो कांस्टेंट मानी जाएगी क्योंकि हम आर डॉट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये आर का फंक्शन है तो यहाँ पर आपको मिलेगा म्यू आर डॉट वेक्टर कर ली एल बाय कर ली आर डॉट की वैल्यू इसी तरह से जब आप दोनों तरफ आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो उस केस में ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आर नहीं है आर डॉट है और इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा आर के रिस्पेक्ट में वो होगा माइनस कर ली यू बाय कर ली आर तो स्टूडेंट्स अब आपको इन दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर दे देना है इक्वेशन नंबर इलेवन अब इलेवन के रिजल्ट को हम यूज करेंगे टेंथ में तो आप लिखेंगे यूजिंग इलेवन इन टेन वी गेट डी बाई डी टी यहाँ पर करली एल बाय करली आर डॉट की वैल्यू पुट करेंगे म्यू आर डॉट म्यू आर डॉट माइनस करली एल बाय करली आर की वैल्यू पुट करेंगे माइनस करली यू बाय करली आर माइनस करली यू बाय करली आर तो ये टर्म जो है वो प्लस की हो जाएगी यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू जीरो डी बाई डी टी हटा कर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डॉट आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा म्यू आर डबल डॉट इज इक्वल टू इस टर्म को आप उधर भेज देंगे माइनस करली यू बाय करली आर क्योंकि हमारी जो सेंट्रल फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है और कंजर्वेटिव फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के तो एफ आर वैक्टर जो होगा वो होगा माइनस करली यू बाय करली आर इज़ इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन यही होती है कि इस फोर्स को हम माइनस करली बाय करली आर इन टू पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एफ आर साथ में यह है कंजर्वेटिव फोर्स माइनस कर यू बाई कर लिया तो ये है आपकी फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इक्वलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ टिल देन टेक केयर